हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो मैटर है वो प्योर हैं? हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी एंड बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। जो हम सारे सामान जो है मार्केट से परचेज करते हैं, तो हम इनको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये सारे प्योर हैं? अब देखो, इसमें कुछ आइटम्स की पिक्चर दी हुई है, कंज्यूमेबल आइटम्स की। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? प्योर जो है रिटर्न लिखा होता है, आपने देखा होगा प्योर घी, प्योर सॉल्ट, प्योर मिल्क। क्या इसके लिखे होने से क्या ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स है ये प्योर होते हैं? जो एक कॉमन पर्सन है वो प्योर मीनिंग हैव नो अडल्ट्रेशन। प्योर फॉर अ कॉमन पर्सन, जो प्योर का मतलब होता है हैविंग नो अडल्ट्रेशन, मीन्स कोई भी मिक्सिंग नहीं है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। लेकिन एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारा क्या है, एक मिक्सचर होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है मिक्स होते हैं, इसलिए हम इसको प्योर नहीं कह सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क जो है एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दिस इज़ नोन एज मिक्सचर, बट इट इज़ नॉट अ प्योर। When scientist says about something is pure, जब scientist कहते हैं किसी pure चीज़ के बारे में, तो उनके according जो definition होगी वो क्या होगी? इसका मतलब जो है, जो particles है, जो substances के, वो same होने चाहिए। उनका जो chemical nature हो वो क्या होना चाहिए? Same होगा, तभी वो क्या कहलाएंगे? Pure कहलाएंगे। एक pure substance है, वो single, उसके single type के particles होंगे। Our substance is pure single form of matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exist as a mixture of two or more components, pure components. जैसे water है, minerals है, sea water है, mineral है, soil है, आपने देखा होगा सारे क्या है, mixture है। चलो हम mixture के बारे में, ये तो हमारा जो है introduction था chapter का, अब next हम पढ़ते हैं what is mixture, mixture को कैसे define करेंगे। Mixture जो है, mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. जो mixture है वो एक से ज़्यादा pure form जो है matter उससे मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, is known as substance. By more than one kind of pure form of matter, एक से ज़्यादा pure form of matter से मिलकर बना है, that is known as substance. Substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. Substance को हम physical process से separate नहीं कर सकते। Question यहीं से आएगा, can we separate substance from physical process? No, we cannot separate. Substance जो है वो mixing से बना है, more than one kind of, एक ही तरह प्रकार के प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर से। वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है नमक, उसको डिजोल्व कर दोगे, क्या आप उसको वाटर से सेपरेट कर सकते हो? बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से अलग कर सकते हो? हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस। जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सब्सटेंस है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स। हम उसको फिजिकल प्रोसेस से केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। शुगर इज अ सब्सटेंस विच, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट। इसकी जो कम्पोजिशन वो क्या है, सेम होगी। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, ये सिंगल सब्सटेंस नहीं होते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस को कंटेन करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। जो मिक्सचर है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों ग्रुप के जो है आप कलर का जो है कंपेयर करोगे। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको आप करोगे। चलो एक्टिविटी 2.1 करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू, हम एक क्लास को ABCD ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्लास ए, जो ग्रुप ए है उसको हम बोलते हैं वाटर ले, 50-50 ml वाटर ले और एक स्पैचुला ले कॉपर सल्फेट पाउडर का। बी वाले को बोलते हैं वाटर के साथ में कॉपर सल्फेट, जो फुल स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर, ठीक है, एक बीकर के अंदर ले ले। सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर, सी ओ डी जो है अलग अलग अमाउंट के कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट या कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड या मिक उनको ले सकते हैं।
मिक्सचर के रूप में. अब उनके ऑब्जर्वेशन को जो है उनके कलर को टेक्सचर को है ऑब्जर्व करना है. ए और बी हैव ऑब्टेंड अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. उनकी जो कॉम्पोजिशन क्या है वो सेम थी तो इसलिए उनका जो रिजल्ट है वो भी सेम आया. दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. और जैसे दूसरे वाले थे जिसमें हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर शुगर इन वाटर कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स थ्रू वो द ग्रुप्स हैव ऑब्टेंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर. दोनों ने कॉपर सल्फेट लिया लेकिन जो कलर की इंटेंसिटी थी वो क्या थी डिफरेंट थी. इसका मतलब क्या हुआ जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो वेरी करते रहते हैं कंपोजिशन में. ग्रुप सी और डी जो है वो मिक्सचर बना रहे हैं उन्होंने देखा कि अलग अलग फिजिकली जो है डिस्टिंक्ट पार्ट में और नॉन यूनिफॉर्म उनकी कंपोजिशन थी. इसको क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस. हेट्रो मतलब होता है अलग अलग. मिक्सचर जैसे सोडियम क्लोराइड का था या आयरन फिलिंग्स का था सोल्ट और सल्फर का था ऑयल एंड वाटर का ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं हेट्रोजीनियस के. तो ये हमारी एक्टिविटी थी. अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.2 और फिर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे.